हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के दूसरे सीरीज के बारे में। पहले हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड अपने एसेट क्लास के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं, आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड वन विल बी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। पहले जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली आपके स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत से पार्ट में डिवाइडेड हैं, मैं उसे ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइन वाइज। इक्विटी म्यूचुअल फंड का फर्स्ट पार्ट है आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, सेकंड विल बी योर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, थर्ड वन विल बी योर मिड कैप म्यूचुअल फंड, फोर्थ वन विल बी योर सेक्टर फंड, फिफ्थ वन विल बी योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, सिक्स्थ वन विल बी योर डिवाइडेंड यील्ड फंड, सेवन्थ वन विल बी योर ELSS means Equity Link Saving Same, eighth one will be your thematic fund। इस आठों इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम वन टू वन डिस्कस करते हैं। बेसिकली पहला हम लोग का होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से हमें खुद पता चलता है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हम लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने कंपनियों को, लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी और मीडियम कैप कंपनी। मीन्स जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 20,000 करोड़ से अधिक रहेगा वो क्या रहेगी, आपकी लार्ज कैप कंपनी। और जिस मार्केट का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक रहेगा वो होगा मीडियम कैप कंपनी। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होगा वो होगा आपका स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और ये आपका जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों कहते हैं, ये अभी जो स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है उस वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। बेसिकली इस तरीके से आपका डिवीजन है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपका ये होता है कि आप उसमें कितने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे TCS हो गया, HDFC हो गया, आपकी ITC हो गया या आपका रिलायंस हो गया, ये सब रहती हैं इसमें। तो इसका कितने जो वोलेटिलिटी है बहुत कम रहता है, मीन्स ये फ्लक्चुएट नहीं करती। इसका कितने ग्रोथ पोटेंशियल होगा बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी खुद ही एक स्टेबलाइज मोड में पहुँच गई है, ये बन चुकी हैं। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग मैंने 5 साल का रिटर्न देखा है, लगभग 5% इसमें रिटर्न आ रहे हैं, उस 7% तक आप रिटर्न यहाँ पर पा सकते हैं अगर इस स्कीम में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनियाँ जो स्टेबलाइज हो गई हैं वो कितने बुरे वक्त पे भी सर्वाइव कर लेती हैं, जो लार्ज कैप कंपनियाँ रहती हैं। जब कोरोना आया था तो बहुत सी छोटी जो स्मॉल कंपनी थी, मिड कैप कंपनियाँ थी, वो कितने वो बंद हो गई। और जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं ये अपना डबल से ट्रिपल ग्रोथ अपना प्रोवाइड की इस कोरोना के काल में, क्योंकि इनके पास जो फाइनेंशियल पैसे रहते हैं वो कितने हैं गलत बैड सिचुएशन में भी सर्वाइव करने के लिए इनको काम करते हैं। वो कितनी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है कि वो कितने जैसे कोरोना हो गया या कितने आपका क्राइसिस हो गई, 2008 की क्राइसिस थी या 2020 की क्राइसिस हुई या 2000 की क्राइसिस थी, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस ऐसी सिचुएशन में, तो वो कितने खत्म हो जाते हैं। पर ये रहता है कि इसमें आपको ये लार्ज कैप कंपनी इसमें आपको रिटर्न कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू द मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, आपकी जिस मार्केट जिस कंपनी का कहते हैं जो अभी ग्रोथ स्टेट में हो, मीन्स आप उसमें रिटर्न अधिक पा सकते हैं। लगभग मैंने 5 साल का रिटर्न देखा है तो इसमें 14.28% का म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न मिल रहा है स्मॉल कैप कंपनी में, क्योंकि इसमें ग्रोथ ये कंपनी अपने इनिशियल ग्रोथ में रहती है। कंपनी कितनी ग्रोथ कर जाए इसके एकदम फंडामेंटल्स पर डिपेंड है। और बेसिकली आपके जो कंपनी का फेलियर रेट होता है बहुत अधिक होता है, तो इसमें रिस्क अधिक है, मीन्स स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क अधिक है और लार्ज कैप कंपनी में आपका आपका इंटरेस्ट कम है म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे इंटरेस्ट अधिक है पर यहाँ पे रिस्क कम है, और यहाँ पे रिस्क अधिक है, ये दोनों डिफरेंस स्मॉल। और उसके बीच में जो आता है वो होता है मीडियम कैप कंपनी, जो दोनों को कितने मेंटेन करके चलता है। मैंने लगभग मीडियम कैप कंपनी का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखा है, वो लगभग 10.28% अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बेसिकली सही है। मैं कितने बैंक से सबको इन्वेस्ट करने के लिए कहता हूँ कि आप मीडियम कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें मीडियम कैप कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं वो अच्छे होते हैं। मैं भी कितने मीडियम कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करता हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, चौथे पॉइंट पे, दैट विल बी योर सेक्टर म्यूचुअल फंड।
बेसिकली जो सेक्टर म्यूचुअल फंड का टर्म आया है, ये बताता है कि आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। जिस तरीके से रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट म्यूचुअल फंड ये क्या करता है, आपकी केवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है। जिस तरीके SBI फार्मा म्यूचुअल फंड ये क्या करता है, केवल फार्मा कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड ये क्या करता है, केवल हाउसिंग से जुड़े कितने हैं टोटल वर्क में कितने आपका काम करता है, मीन्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में यह काम करती हैं सारी कंपनियां। अब बेसिकली हमारा पांचवा आता है आपका डाइवर्सिफाई इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर लेते हैं और डिफरेंट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीज़ों में हमने इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिससे कि हमारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बने रहें, कि हमको रिस्क ना लेना पड़े। और पांचवा अपना छठा आपका आता है डिविडेंड यील्ड फंड। बेसिकली क्या रहता है, कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट जितने अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है, उसमें क्या रहता है वो प्रॉफिट किसके रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं, डिविडेंड के रूप में, उसे हम लोग डिविडेंड यील्ड कहते हैं। बेसिकली कंपनी अपने सालाना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को चाहे तो शेयर कर सकती है डिविडेंड के रूप में या नहीं शेयर कर सकती है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो शेयर करना चाहे या नहीं शेयर करना चाहे। हमारा पांचवा टॉपिक है डिविडेंड यील्ड फंड। बेसिकली कंपनी जो अपना कुछ प्रॉफिट कमाती है सालाना, तो वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में शेयर करती है, किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, जिसे हम लोग डिविडेंड यील्ड कहते हैं। बेसिकली कंपनी चाहे तो ये डिविडेंड या प्रॉफिट कितने अपने शेयर होल्डर में शेयर कर सकती है नहीं भी कर सकती है। जिस तरीके से एप्पल ने कितने अपने कहा कि हम डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, ना बोनस प्रोवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि आप वो जो डिविडेंड हम प्रोवाइड करेंगे उससे अच्छा हम इन्वेस्ट कर देंगे अपनी कंपनी में और आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। तो बेसिकली ये टोटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड करे या ना प्रोवाइड करे। बेसिकली जब कोई कंपनी किसी डिविडेंड यील्ड फंड स्कीम में कितने आप इन्वेस्ट करती है, तो बेसिकली उसमें देखती है वो कंपनी सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, और कितना कंसिस्टेंट है कि नहीं, और उसका बेसिकली कंसिस्टेंट के साथ वो रिस्क फ्री है कि नहीं, और उसकी वोलेटिलिटी क्या है, वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही है। ये टोटली पैरामीटर देखने के बाद ही कितने डिविडेंड यील्ड स्कीम किसी स्कीम में कितना इन्वेस्ट करती है या किसी कंपनी में अपने पैसे लगाती है। बेसिकली इसके बाद हम बात करते हैं अपने छठे पॉइंट पे, जो है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मीन्स इसमें क्या रहता है कि आप एक फिक्स पीरियड के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स लगभग 3 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करने रहते हैं अपने पैसे, और ये कितने मुझे मैं इसे कहता हूँ टैक्स सेविंग स्कीम। मीन्स इसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, जिस तरीके से सेक्शन 80C के तहत आप इसमें अपने 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से। आप 3 साल मिनिमम आपको 3 साल तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको ELSS में, आप इसके बीच में आप इस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ELSS म्यूचुअल फंड वाला स्कीम है ये मैं बेस्ट मानता हूँ, इससे आपको टैक्स सेविंग भी हो रहा है और एक टाइम फिक्स पीरियड के लिए आपको पैसे कितने जनरेट भी हो रहे हैं, आपको वो जब इनकम जब ऊपर चली जाएगी तो आपको 3 साल बाद कितने पता चलेगा कि मैंने कितने सही जगह इन्वेस्ट किया है। आपका सातवां है आपका थीमेटिक, आठवां आपका थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है, बेसिकली आप किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली आप मान लीजिए आप रिलायंस आप किस सेक्टर के थीम में इन्वेस्ट करते हैं, या ई कॉमर्स थीम में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी रूरल इंडिया डेवलपमेंट थीम में इन्वेस्ट करते हैं, ये डिफरेंट थीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या रहता है कि आप हाउसिंग से जुड़े ही वो टोटल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर, जैसे आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में कर सकते हैं, सीमेंट कंपनी में कर सकते हैं, अब मेटल्स कंपनी में कर सकते हैं, मतलब वो टोटल हाउसिंग के जितने पार्ट्स आते हैं उस सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक थीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टोटली, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे सही लगती है। अपने दूसरे पॉइंट में बात करते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है, बेसिकली जो आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए गवर्नमेंट या कंपनी आप इन्वेस्टर से पैसे बोरो करती है और फिर उसके बाद यूज करके उस इन्वेस्टर को कितने पैसे रिटर्न करती है विथ इंटरेस्ट। तो ये होता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना। बेसिकली गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी में कितने आपको डील करती है। इसमें क्या रहता है आपके कितने जो डेप्ट होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं आपके, बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटी हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें गवर्नमेंट इसमें कितने आप कंपनी डील करती है। बेसिकली ये जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपका क्या रहता है
रिटर्न तो कम आते हैं पर इसमें रिस्क भी कम रहता है एज कम्पेयर टू द योर इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में। और बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड चार पार्ट में डिवाइडेड है, वो कौन सा है, गिल्ड फंड, सेकेंड विल बी योर जंग बॉन्ड स्कीम, थर्ड वन विल बी योर फिक्स मैच्योरिटी प्लान, फोर्थ विल बी योर लिक्विड फंड। ये चारों टाइप हम लोग एक एक करके देखते हैं। गिल्ड फंड क्या होता है बेसिकली, ये कितने हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, मीन्स ये सिक्योरिटी बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है। तो मतलब कि इसमें क्या रहता है, हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इतने डील करते हैं बेसिकली। तो इसमें आपका जो डिफॉल्ट रिस्क रहता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कितने गवर्नमेंट ही इसे इशू करती है, गवर्नमेंट ही इसे आगे बढ़ाती है, और इसमें ही कितने हम लोग अपना पैसे उधार लेकर उस रिटर्न करते हैं आपका हाई विथ गिवन इंटरेस्ट बेसिकली। ये जो आपका ग्रेट फंड है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन म्यूचुअल फंड एंड शॉर्ट टर्म में। ये दोनों पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं अपने दूसरे पार्ट में, दैट विल बी जंग बॉन्ड स्कीम। जंग बॉन्ड स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डिफॉल्ट रिस्क रहेगी वो हाई रहेगी, पर इसमें एक अच्छा फायदा है कि जो इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हाई रहेगा एज कम्पेयर टू गिल्ड फंड, क्योंकि कोई चीज़ जितनी रिस्की रहती है उतनी ही हाई रिटर्न प्रोवाइड करती है बेसिकली। गवर्नमेंट इसमें जब डील करती है जंग बॉन्ड में, तो कितने उसमें क्या रहता है कि आप थोड़ा सा रिस्क तो आप ले लेते हो पर आपके जो रिटर्न मिलते हैं वो हाई मिलते हैं। तो जो भी कितने आपकी सिक्योरिटी जो कितने जंग स्कीम में डील करती है उसे जंग बॉन्ड स्कीम कहते हैं। अपने तीसरे पॉइंट पे वो है आपका फिक्स मैच्योरिटी प्लान। बेसिकली फिक्स मैच्योरिटी प्लान बैंक एफडी की ही तरह फिक्स मैच्योरिटी पीरियड में ही कितने आपका इसके टोटल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मीन्स ये भी एक फिक्स प्लान है, मीन्स उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड रहती है बेसिकली। फिक्स मैच्योरिटी प्लान आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड इसमें इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। आपके जो बैंक एफडी में जितना रिटर्न आता है उससे अधिक रिटर्न आपके एकदम फिक्स मैच्योरिटी प्लान के म्यूचुअल स्कीम में आता है, मैं जहाँ तक देखता हूँ। और ये बेसिकली आपको ये फिक्स म्यूचुअल प्लान आपके बैंक एफडी से अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेंगे जो करते हैं। चौथा हम लेते हैं अपना लिक्विड फंड। बेसिकली लिक्विड फंड वो डेट फंड है जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। मनी मार्केट बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए आपके पैसे आपके इन्वेस्टर से पैसे उधार लेते हैं और उनको अच्छे रिटर्न के साथ वापस कर देते हैं बेसिकली। ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और इसमें आप अपने पैसे कभी भी आप मार्केट से बाहर निकाल सकते हैं। आपका क्या रहता है शॉर्ट, इसमें जो शॉर्ट पीरियड रहता है ये आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका लिक्विड फंड कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे डिपेंड करता है, आपके बॉन्ड पे डिपेंड करता है, कमर्शियल पेपर पे डिपेंड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे डिपेंड करता है और आपके ट्रेजरी बिल पे डिपेंड करता है। ये टोटल पैरामीटर है, इस पैरामीटर पे आप लिक्विड फंड अपने ले सकते हैं और इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। जो इस पे रिटर्न होते हैं एज कम्पेयर टू बैंक एफडी या बैंक सेविंग अकाउंट से लिक्विड फंड में अधिक इन्वेस्ट आपका रिटर्न मिलते हैं और इसमें एक रिस्क भी कम रहता है, मीन्स आपके लिक्विड फंड में रिस्क आपका कम रहेगा और रिटर्न अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट या एफडी रेट। ओके बेसिकली आप चाहें तो आपके लिक्विड फंड से कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, मतलब इसमें आपका जरूरी नहीं है कि आपका एक टाइम पीरियड हो, आपका मैच्योर हो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम तभी आप जाकर कितने उसमें एग्जिट लो, आप कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर उसको ये कहता हूँ कि आप लिक्विड फंड में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि लिक्विड फंड ही कितने ऐसा स्कीम है जो कि आपको कभी भी कितने इमरजेंसी में निकलने का मौका देता है और कितने आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, और जिसमें कि आपका रिस्क भी कम रहता है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी रेट फ्लक्चुएशन बहुत कम रहेंगे एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट। एक बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो एक से अधिक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है मंथली इनकम प्लान, सेकेंड विल बी योर बैलेंस फंड, थर्ड वन विल बी योर आर्बिट्रेज फंड। ये तीनों हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मंथली इनकम प्लान आपका क्या होता है बेसिकली, कितने हैं आप इसमें 60-90% आप अपना पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और जो बाकी पैसा रहता है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स इसमें क्या रहता है, MIP में मंथली इनकम प्लान में
आपके जो रिटर्न होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अधिक मिलते हैं, मीन्स आपका कितना पैसा सेफ रहता है क्योंकि आप अधिक पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम रिस्क फ्री है और कितने फिक्स इनकम सेम है, क्योंकि कुछ पैसा कितने यहाँ पे कितना इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका रिस्क है। बेसिकली ये जो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं ये रिस्क फ्री है, थोड़े थोड़े 60-90% आपका इक्विटी आपका डेब्ट में लगे हुए हैं। चलिए लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट, वो कौन से हैं आपके बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या होता है, नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और 50% आपका डेब्ट में इन्वेस्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इसमें क्या रहता है, आपका 60-80% आप पैसा किसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और जो बाकी पैसा रहेगा आपका कितने कितने डेब्ट में इन्वेस्ट करेंगे, मीन्स इक्विटी में अधिक इन्वेस्ट करेंगे डेब्ट में कम इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली इसमें आपका क्या रहता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके अधिक अच्छे रिटर्न प्रोवाइड पा सकते हैं, और इसमें क्या रहता है जो डेब्ट वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा रिस्क फ्री के लिए यूज करता है, मीन्स इक्विटी में अधिक इन्वेस्ट करके आप अधिक रिटर्न पा सकते हैं और डेब्ट में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा रिस्क फ्री रह सकते हैं, मतलब दोनों मैनेज हो रहा है यहाँ पे। और तीसरा है हमारा आपका आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज क्या होता है, बेसिकली क्या रहता है, आर्बिट्रेज स्टॉक मार्केट में किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना NSE से कुछ शेयर प्राइस मान लीजिए 500 रुपये में मिल रहा है और वही कितना आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वही प्राइस 510 रुपये में मिल रहा है, तो हम 500 रुपये में खरीद कर वो 510 में बेच देते हैं। पहले ऐसा होता था पर अब ये बंद कर दिया गया, दोनों का अलग अलग कर दिया गया। तो आर्बिट्रेज में क्या किया जाता है, अब क्या होता है कि आप मान लीजिए कैश मार्केट में आप किसी सामान को किसी शेयर मान लीजिए ABC कंपनी का शेयर है वो आप 10 रुपये में खरीदे कैश मार्केट में, और डेरिवेटिव मार्केट में आप उसे कितने में 15 में पा रहे हैं, तो आप ये जो 5 रुपये का यहाँ से खरीद के सेल कर दिया तो इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, इसे आर्बिट्रेज कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके 60% जो कितने जो इन्वेस्ट होते हैं ये इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं आर्बिट्रेज फंड में, और ये आप एक सेफ रहता है, सेफ आपको कहते हैं ये फिक्स रिटर्न, ये आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है और ये सेफ रहता है। और बेसिकली आपका जो आर्बिट्रेज फंड रहता है वो उसको कितने तक टैक्सेशन करते हैं, तो ये आपका कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह कहते हैं हमको इसको कंसिडर करते हैं। और बेसिकली ये आर्बिट्रेज फंड आपका रिस्क फ्री रहता है और अच्छे रिटर्न आप लगभग 6-10% का इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो कौन कौन से हैं आपके ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड आपके जो म्यूचुअल फंड आप लेते हैं वो ये दोनों पार्ट में ही डिवाइडेड है। आप जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं इंडेक्स खरीदते हो या आप कहते हैं डेब्ट में खरीदते हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो या क्लोज्ड होते हैं या ओपन होते हैं, मतलब ओपन म्यूचुअल फंड या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। पहले हम बात करते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो बेसिकली हम लोग स्टॉक लेते हैं जिसमें कहते हैं आप फिक्स इन्वेस्टर कभी भी चाहे उस यूनिट को सेल कर सकता है बाई कर सकता है, उसे कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ना कितने आपको ना रुकना पड़ेगा, ना कितने आपको फिक्स ना उसका एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरा है हमारा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड क्या होता है, बेसिकली आप इसको एक इस म्यूचुअल फंड में आप एक स्पेसिफिक टाइम में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब उस म्यूचुअल फंड का NFO आता है न्यू फंड ऑफर उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके मैच्योरिटी तक आपको इसमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बेसिकली आप जब भी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ये NFO जब लिस्ट होता है तो आप चाहें तो कहते हैं इसमें से अपने आपको बाई और सेल कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट होने के बाद उससे पहले आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके मैच्योरिटी तक आपको रुकना पड़ेगा। बेसिकली जो क्लोज इंडियन म्यूचुअल फंड है इसकी लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम होती है क्योंकि और इसकी वजह से इसके जो बायर और सेलर हैं वो भी बहुत कम मिलेंगे। तो हम लोग मैं बेसिकली जो प्रीफर करता हूँ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कहते हैं इन्वेस्ट करने का फायदा रहता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का क्या फायदा रहता है, इसमें आप कितने भी यूनिट आपके इश्यू हो सकते हैं उसमें बाई कर सकते हैं, पर जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड रहते हैं इसमें क्या रहता है आपका एक फिक्स्ड यूनिट ही आपका इश्यू होता है। बेसिकली आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी अपने किस तरीके से वो मैनेज होता है, अब मैनेजमेंट के हिसाब से भी दो पार्ट में डिवाइडेड है।
एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड एंड पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। जो एक्टिवली पहला हम लोग का जो है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, इसमें क्या रहता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट के सारे डिसीजन रहते हैं वो फंड मैनेजर ही लेता है। मीन्स उसके सारे डिसीजन जो एक्टिवली मैनेज होते हैं उसमें फंड मैनेजर टोटली इन्वॉल्व रहता है। वो उसके स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, उसके एक्सपीरियंस और उसके जितने उस फील्ड में फ्यूचर विजन क्या है उस म्यूचुअल फंड के हिसाब से वो आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें टोटली मैनेज वो एक्टिवली आपका रिटर्न प्रोवाइड करता है। दूसरा है अपना पैसिवली मैनेज में क्या रहता है कि वो जो फंड मैनेजर है उस इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वॉल्व भी रहता है। मान लीजिए आप एग्जाम्पल तो समझा देता हूँ, आप किसी निफ्टी के स्टॉक में आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपके जो ऊपर के जो निफ्टी के जो शेयर रहते हैं, मतलब जो कंपनियाँ रहती हैं, आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी के म्यूचुअल फंड में तो एक लाइन से जो ऊपर कंपनी रहती है उसमें कहते हैं आपका, मान लीजिए आपका 100% दिया तो किसी उसमें लग जाएगा आपका 30% और उसके नीचे में लगेगा 20%, किसी में 25%, किसी में 10%। एक लाइन के हिसाब से आपके उसके टोटल शेयर डिवाइड हो जाएंगे ऊपर से नीचे तक। उसमें फंड मैनेजर का कितना कोई रोल नहीं रहता है। बेसिकली वो आपको जो रिटर्न निफ्टी है उस समय प्रोवाइड करेगा वही आपका रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड उस तरह रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से मतलब टोटली उस ट्रैक को फॉलो करेगा, निफ्टी के ही ट्रैक को आपका म्यूचुअल फंड फॉलो करेगा और वैसे ही रिटर्न प्रोवाइड करेगा। और आपका कितने म्यूचुअल फंड और भी तरीके के होते हैं, जैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड, या कितने का रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड, या एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, पर ये हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इतना ही नॉलेज रखना चाहिए। और इसको कैसे हम लोग इतने एनालाइज करें, किस तरीके से करें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए।